मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? नहीं साईं, नहीं नहीं, रहम करें साईं, अब्बा झूठ बोल रहे हैं। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। और अगर अब्बा ने इसके अलावा मेरी किसी और से शादी कराई ना, तो मैं जहर खा लूंगी। अगर आपको गोली मारनी है ना, तो हम दोनों को मार दें। अगर साथ जी नहीं सकते ना, तो साथ मर तो सकते हैं ना। अरे बेशरम बेहया, इस बेहया से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? कोई गलत काम नहीं किया इसने। इसने सिर्फ अपना बुनियादी हक इस्तेमाल किया है। पसंद की शादी का हक है इसे। और जब तुम्हारी बेटी और ये लड़का शादी के लिए राजी हैं, तो तुम्हें क्या एतराज है? सही, इस हटाराम से कैसे कर लूं मैं शादी? अपनी बेटी की किस्मत कैसे फोड़ लूं? कुछ काम नहीं करता है ये। कोई काम क्यों नहीं करते हो? काम ढूंढ रहा हूं सही, जैसे मिलेगा कर लूंगा। इसे अगर कोई काम मिल जाता है तो कर दोगे अपनी बेटी की शादी इससे? सही, मिल जाएगा तो कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है ये कोई काम नहीं करेगा। समझो उसे नौकरी मिल गई है। कल से हवेली आ जाना, जाफर तुम्हें समझा देगा कि तुम्हें क्या करना है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लड़के को नौकरी मिल गई है, शादी की तैयारी करो और आइंदा अपनी बेटी पे हाथ उठाने या उसे कैद करने की जरूरत नहीं है। बेटी की शादी वहां करो जहां उसका दिल जुड़ा है। सोला साई। कितनी खूबसूरत है ना, कितनी खूबसूरत है। हाथ देखे दूध जैसे सफेद। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है भाई। किसकी इतनी तारीफें हो रही हैं? भाभी की। भाभी क्या मतलब? अच्छा आप लोग हुआ है वहां से? देख भी आए और पसंद भी करा है। बहुत प्यारी है। मान लिया भाई, झूठ बोलना सीख गई हो तुम। झूठ नहीं बोलती मैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मेरी बहू बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यानी कि आपने अभी से उसे अपनी बहू बना लिया? माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी थी, मैंने तो फौरन हाँ कर दी। मुझे बहुत पसंद आई। अरे ये ऐसी कौन सी हूर परी है जिसकी आप दोनों बैठ के तारीफें किए जा रहे हैं? ये अलग से उसकी तारीफें किए जा रही है झूठी? मैं झूठी तारीफें नहीं कर रही हूँ। दिखाओ अभी पिक्चर, देखे। देखा कितनी खूबसूरत है। हाँ भाई, बहुत बाहया और पर्दे वाले लोग हैं, और मेरी होने वाली बहू वो भी बहुत बाहया है भाई। वो लोग तो तस्वीरें भी नहीं खिंचवाते। मैंने तस्वीर मांगी लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैंने ना अपनी होशियारी से खामोशी से ले ली, किसी को पता भी नहीं चला। अरे भाई, इस बात का जिक्र गलती से भी फहमीदा से या उनके शौहर से मत कर देना। ऐसा ना हो कि वो लोग बुरा मान जाए कि उनकी बेटी की तस्वीर बगैर इजाजत हम लोग ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठिए, चाय पानी लेकर आओ। लगता है लड़की वालों की तरफ से हुआ है। हाँ हाँ हुआ है, बल्कि उनको दावत भी दे आई हूँ अपने घर पे आने की, ताकि वो एक बार सरफराज को देख लेना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उनको आने की दावत दे दी, और इससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि लगता है लड़की तुम्हें पहली नजर में ही भाग गई है।
कि सच पूछो तो मुझे वो लड़के वाले बहुत बुरे लगते हैं जो लड़की वालों की तरफ जाते हैं और खा पी के वापस आ जाते हैं। भी ऐसे लगता है कि किसी कुर्बानी के जानवर को देखने गए हूँ, ना कि लड़की को। उसे खाम खाब बेचारे सफेद पोश लोगों का भुरकस निकल जाता है ये चाय पानी के अंदर, और लड़की भी घर बैठी रह जाती। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, वो तुमने उन्हें बता दिया है ना कि जहेज हमें नहीं चाहिए? पहली दफा मैं गई थी, ये बात कैसे निकालती हूँ? और वैसे भी हम कोई जहेज की डिमांड कर तो नहीं रहे हैं उनसे। अगर वो अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, हम उनको रोक तो नहीं सकते। ऐसे बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये कि आएंगे ना यहाँ तो मैं उनके गोश गुजार जरूर कर दूंगा कि हमें जहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, वो इत्मीनान से अपनी बेटी को रुखसत करें। शुक्रिया बेटा। अगर इस दुनिया में हर इंसान की सोच आप जैसी बन जाए बू, तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। मेरी भी तो एक प्यारी सी बेटी है, इसलिए दूसरों की बेटियों के लिए भी मैं दिल में दर्द रखता हूँ। आपके लिए चाय बनाऊं, पियेंगे? तो अगर मेरी बेटी चाय बना के लाएगी मेरे लिए तो मैं जरूर पीऊंगा। अभी लाए। फाद की कॉल है, मैं जरा बात कर रहा। मुझे बताओ ये सरफराज जो है उसका क्या ख्याल है बच्ची के बारे में? मैं भी यही नोटिस कर रही थी कि वो ज्यादा खुश नहीं है। मुझे लगता है शादी के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं है वो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। गरम रोटी। देख, दिल से खाना नहीं पका रही तू फहमी दे बेगम, मिर्च ज्यादा है नमक कम है। अच्छा पता नहीं कैसे हो गया। हाँ तुझे तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में कैसे क्या होता है। आगे से ख्याल रखूंगी। अब आ सुन, तूने नसीबन की क्लास ली कि नहीं ली? क्या ये लड़कों को ऐसे ही उठा लाई? जी वो असल में नसीबन बुआ को जाना था शाम में कहीं, तो इसलिए वो आ गए। अब माजरत कर रही थी कौशल बहन की। अच्छा तो क्या कहा उन लोगों ने, जवाब कब तक भिजवाएंगे वो? माशाल्लाह हमारी फिजाओं ने बहुत पसंद आई। कैसे? हाँ करके गए और अपने घर आने की दावत भी देकर गए। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो ना एक बात समझा देना कि मेरी लड़कियां आप किसी मर्द के सामने नहीं जाएंगी। जी ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने कि उनके घर के मर्द देखेंगे फिजा को। ज़ाहिर है नसीबन बुआ ने हमारे घर के बारे में और आपके ख्यालात के बारे में बता दिया होगा। अच्छी बात। असलम साहब आप हाँ कर दें तो मैं नसीबन बुआ के हाथ पैगाम भिजवा दूँ। हाँ मेरे ख्याल से जुमे का दिन ठीक रहेगा, उनको बता देना कि हम उनकी तरह बेवक्त नहीं आ जाएंगे, असर के वक्त आएंगे। जी ठीक है, ये सलाद भी खाए ना।